नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम सहबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। झारखंड विधानसभा चुनाव में पश्चिमी सिंहभूम जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का एक बार फिर से सुपड़ा साफ हो गया। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर लिया है। एनडीए की सबसे खराब चुनावी रणनीति और संगठन में आपसी कलह के कारण पश्चिमी सिंहभूम जिले के 5 विधानसभा में यह परिणाम देखने को मिला है। लोकसभा चुनाव परिणाम से भाजपाइयों ने यदि कुछ भी सबक लिया होता तो आज परिणाम कुछ और ही होता, लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद भी भाजपाई जमीनी हकीकत से कोसों दूर रहे, जिसके कारण एनडीए गठबंधन ने जिले के 5 विधानसभा सीट से जीत दर्ज कर एक इतिहास रच दिया है। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी दीपक बिरवा ने लगातार 4थी बार जीत दर्ज कर इतिहास रचा है। दीपक बिरवा की लगातार लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र में विधायक दीपक बिरवा की पकड़ इतनी मजबूत हो गई है कि उनके आगे सभी प्रत्याशी बौने साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि चुनाव में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। करीब 64,000 मतों से जीत इस बात को दर्शाता है कि क्षेत्र में उनकी जमीनी पकड़ कितनी मजबूत हो गई है। उनकी भारी मतों से जीत भी चाईबासा विधानसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड बन गया है। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से 14 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच ही था। आम मतदाताओं के चहेते बने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी दीपक बिरवा को 1,07,430 मतदाताओं ने मत दिया, जबकि भाजपा की प्रत्याशी गीता बालमुचू को 42,559 मत मिला। दीपक बिरवा ने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को 64,871 मतों से पराजित कर इस सीट पर 4थी बार जीत दर्ज की है। आशीर्वाद दिया लोगों ने और बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। पूरे कोल्हान में जो प्रदर्शन हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई संशय नहीं था, क्योंकि हम लोगों के साथ हमेशा रहते हैं और हमने कहा भी था मीडिया में भी कि फिर वही दूर आएंगे। और ये आज ये जनता का फैसला आया, इससे स्पष्ट हो गया कि लोगों ने हम लोग को पास मार्क दिया है और बेहतर कर। क्या प्राथमिकताएं होंगी, कुछ प्राथमिकताएं क्या होंगी इसके बाद? बहुत सारे ऐसे काम है जिसको करना है, इस क्षेत्र के लिए हम लोग ने अभी तक इसको कर नहीं पाया और एक बड़ा मौका मिल रहा है, इस पर बेहतर हम लोग काम करेंगे। शहर के काफी योजनाएं जो अब तक भी लंबी थे, क्या वो इस बार पूरी हो जाएगी? कोशिश करेंगे, वीडियो हम दे देंगे। चाईबासा शहरी जिला पूरी योजना आधा अधूरा है, जो शहर का मतलब नीड है पानी, उसको लेके हमने फंड से उसका स्पेशली फंड भी एक मिनट नगर विकास विभाग से जो जलापूर्ति योजना अधूरी थी उसके लिए भी हमने 8 करोड़ से अधिक पैसा करवाया। अब संवेदा का और विभाग का मामला है, इसको हम लोग देखेंगे आने वाला दिन में। निश्चित तौर पर मैंने जलापूर्ति योजना का बांग्लादेशी घुसपैठ को जनता ने नकार दिया है, उस मामले को, बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा चुनाव में था, क्या उसको नकार दिया है? देखिए, जो मुद्दा का रियलिटी हो ही नहीं, तो मुद्दा को तो जनता ऐसे ही नकार रही है, क्योंकि मैंने कौन सीमा से यहाँ सटा हुए झारखंड और कौन सीमा से लोग घुस रहे हैं, और सीमा सुरक्षा का जिम्मेदारी आपके ऊपर, आप लगा रहे हैं आरोप 10 साल से आप बैठे हुए, घुसपैठी घुस रहे घुसपैठी घुस रहे, तो हम लोग का स्टेट में तो बाद में घुसेंगे, दूसरे स्टेट में पहले घुसेंगे, वहाँ घुसपैठी का मामला नहीं आया, झारखंड में घुसपैठी का मामला आ रहा है। तो जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए जो प्रयास होगा, जनता जब समझ जाती है तो वही परिणाम होता है। राजगांव विधानसभा सीट से लगातार 3री बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी नीरल पूर्ति ने जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि नीरल पूर्ति की यह 4थी जीत है। नीरल पूर्ति ने मझगांव विधानसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ काफी मजबूत बना ली है। मतदाताओं के वे चहेते बने हुए हैं। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में नीरल पूर्ति ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी जुबा मांझी को 60,000 मतों से बढ़त दिलाया। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने 59,603 मतों से जीत हासिल किया है। इस चुनाव में नीरल पूर्ति को 94,163 मत प्राप्त हुआ है,
जबकि भाजपा प्रत्याशी बड़कुअर गागराई को 34,560 मत मिला है। माधव चंद्र कुंकल को 16,139 मत मिला। इस विधानसभा क्षेत्र से 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। चुनाव लड़ रहे अन्य प्रत्याशी 1,400 मत भी प्राप्त नहीं कर सके। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मझगांव वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि बहुत स्नेह बहुत प्यार रहा, उनका बहुत आशीर्वाद रहा। और मैं सबसे पहले मैं तमाम मझगांव वासी जनताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। भारी अंतर से आप जीत रहे हैं। भारी अंतर तो जनता का स्नेह मिला है और आकलन भी कुछ उसी तरह का था और मुझे कुछ और ज़्यादा ही उम्मीद था, लेकिन कुछ वोटों से अंतर में थोड़ा सा कम हो गया। क्षेत्र के क्या कमी नहीं, हम समझते थे कि और ज़्यादा जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जिस तरह से हम लोगों के बीच में उपस्थिति हमारे दर्ज है लगातार, है ना, और जिसका चलते ही आज इस जगह पर दोबारा पहुंचने का मौका मिला, मैं धन्यवाद तो देना चाहता हूँ। संप्रदाय के मामले को बहुत उछाला गया था इसके पहले। देखिए, इस तरह का कोई मुद्दा नहीं था, किसी व्यक्ति विशेष में था, किसी व्यक्ति विशेष में था और किसी एक पत्रकार के चलते ऐसा था और वो सोशल मीडिया में इस तरह का कुछ भी बात नहीं है। जो करना है वो हम अपना आने की तरह साफ है, पारदर्शी है और इस तरह का कोई मुद्दा नहीं चलता है चुनाव में। खासकर के हमारा कुल्हान में इस तरह का मुद्दा और भी नहीं चलती है। पार्टी को देखता है, पार्टी का कैंडिडेट को देखता है, सिंबल को देखता है, पार्टी सरकार किस तरह काम करती है उसके छवि पर। लगातार तीसरी बार आप जीते हैं जी, ये भी एक रिकॉर्ड ही है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या करेंगे फिर? अब तो क्षेत्र के जैसे क्या क्षेत्र का जो विकास जो काम है वो हम लोग प्राथमिकता तय करेंगे। काम तो बहुत कुछ सदियों से विकास होते आ रहा है और आगे भी निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। देखते हैं जनता की मांग पर हम लोग और कुछ आगे बढ़ाएंगे। उन सब कामों को बहुत तेज गति से मझगांव विधानसभा विकसित हो रहा है, रोड के मामले में, बिजली के मामले में, स्वास्थ्य केंद्र के मामले में, स्वास्थ्य केंद्र के मामले में, आपका ब्लॉक के मामले में, चाहे आपका एकलव्य विद्यालय हो, चाहे फार्मेसी कॉलेज हो, कस्तूरबा हो, सारे दिशा में सभी में काम हुआ, लेकिन और बेहतर करने की जरूरत है। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सुखराम उरांव ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। हालांकि इस सीट से वे तीसरी बार चुनाव जीते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र से अब तक कोई भी प्रत्याशी लगातार दूसरी बार चुनाव नहीं जीत सके हैं। साथ ही इस विधानसभा क्षेत्र से कोई भी तीन बार विधायक नहीं बने हैं। उनकी जीत यह विधानसभा क्षेत्र के लिए एक रिकॉर्ड बन गया है। हालांकि जीत का अंतर कम रहा है। सुखराम उरांव को 58,639 मत मिला, जबकि भाजपा प्रत्याशी शशिभूषण सामंत को 49,329 मत प्राप्त हुआ। इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे विजय सिंह गागराई को 20,148 मत मिला। सुखराम उरांव ने शशिभूषण सामंत को 9,310 मतों से पराजित किया। इस विधानसभा क्षेत्र से 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से जेएलकेएम की प्रत्याशी बसंती पूर्ति ने 7,933 मत हासिल कर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। आजादी के बाद से अभी तक के जो रिकॉर्ड है, तीन बार विधायक मेरे चक्रधरपुर से कभी नहीं बना है, एक तो वो रिकॉर्ड है। और आजादी के बाद आज तक में कभी रिपीट नहीं होता है। दो बार गिलवा जी रहे हैं, दो बार बंकरा जी रहे हैं और हम भी दो बार, जब मेरा तीसरा बार हो रहा है, तो चक्रधरपुर के लिए दो रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और पूरे ज़िले के लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि जो सरकार का काम काज को जो विश्वास किया है, खासकर मैया सम्मान योजना और बिजली बिल, पुराना बिजली बिल माफ और 200 यूनिट बिजली फ्री, ये सरकार का कामकाज के बदौलत थी आज हम लोग पूरे जिला में भाजपा मुक्त करने में सफल रहे हैं। तो और क्या फैक्टर मानते हैं आपकी जीत का? कोई फैक्टर नहीं है इसमें, कोई फैक्टर नहीं है। देखिए, इस बार का चुनाव में कई निर्दलीयों को विपक्षों ने बैकग्राउंड से सहयोग करके सभी लोगों को घेरने का प्रयास किया, सभी विधानसभा में घेरने का प्रयास किया,
मतलब बहुत कुछ व्यवस्था के भी घेरने का प्रयास किया, लेकिन आखिर अंत में सरकार की जीत भी, हमारी पार्टी की जीत भी, लिया गठबंधन की जीत भी। आप जो व्यक्तिगत योजनाएं चलाते हैं उसका असर इसमें नहीं है, ये सरकार का योजना पर असर है। जो 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 महिलाओं को जो कभी एक रुपये के लिए नसीब नहीं होता था, वैसे महिलाओं को हर मंथ एक हज़ार रुपया, और जो हर हमको लगता है 200 यूनिट बिजली का रेट जानते हैं, मतलब 1140 रुपये पड़ता है उसका रेट है, और ये जो 1000 लगभग का जो है बचत सरकार ने किया है पर मंथ, और जो पुराना बिजली बिल था सबसे ज़्यादा, अगर पुराना बिजली वाला में हमारे जिले ही सबसे ज़्यादा, और खरसवां विधायक हम ही लोग लगे थे सबसे ज़्यादा, कि जो पुराना बिजली बिल जब तक हम लोग माफ़ नहीं करेंगे तब तक ये 200 यूनिट बिजली जो है फ्री नहीं मिलेगा। ये हम लोग मुखर हो के हमारे बड़े भाई दीपक जी रखे, हम लोग सभी लोग साथ में थे, और अंत में ये हुआ कि पूरे राज्य का बिजली बिल जो बकाया बिजली बिल माफ़ किया, तभी हम लोग जो 200 यूनिट बिजली फ्री हम लोग दे पाएंगे, यही हम लोग का सोच था, और इसमें हम लोग सरकार ने माना बात को और ये किया। और ये जो दो तीन योजना जो बताएं हम, दो तीन योजना पर राज्य के लिए फ़ायदा हुआ है, इसके लेके जो स्थिति आज हम लोग बन रही है वो तो सरकार की योजना के बदलाव। आगे क्या प्राथमिकताएं होगी बताइए? अभी तो सर्टिफिकेट लेने दिया, सरकार बने दीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। कल्पना सोरेन जी, इस प्रकार जगन्नाथपुर विधानसभा सीट को हॉट सीट माना जा रहा था। इस सीट पर कोड़ा दंपति का 25 वर्षों से वर्चस्व रहा है। इस सीट पर हुए चुनाव को काफी दिलचस्प भी माना जा रहा था। लोकसभा चुनाव में गीता कोड़ा की हुई करारी पराजय के बाद ऐसा माना जा रहा था कि यह सीट उनकी झोली में जाएगा, लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट के खेल और चुनाव परिणाम को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इन दोनों खेल में अंतिम समय में कोई भी बाजी पलट सकता है और परिणाम भी उसी के अनुरूप भी हुआ। कोड़ा दंपति के बैसाखी पर 2019 में चुनाव जीतने वाले सोनाराम सिंकू ने गीता कोड़ा को ही मात दे दिया। चुनाव परिणाम से पूर्व यह कयास लगाया जा रहा था कि यह सीट गीता कोड़ा, जो कि भाजपा में है, उनकी झोली में जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कांग्रेस प्रत्याशी सोनाराम सिंकू ने भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा को 7383 मतों से पीछे कर इस सीट से दोबारा जीत हासिल कर लिया है। सोनाराम सिंकू को 57065 मत और गीता कोड़ा को 49682 मत प्राप्त हुआ है। इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी मंगल सिंह बबंगा कांग्रेस प्रत्याशी सोनाराम सिंकू को चुनाव में हार के लिए कोई फैक्टर नहीं बन सके। मंगल सिंह बबंगा को 12,559 मत मिला। मोबाइल में नहीं आया। एक बहुत दिलचस्प मुकाबला हम लोग देख रहे थे जगन्नाथपुर सीट पर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अभी तो जनता तय करते हैं ना, पीछे जो तय करेंगे वो होगा। आवाज जनता का तय है, जो आज हमको आशीर्वाद मिला है। क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? देखिए अब तो हम लोग पहले से भी बेहतर काम करेंगे, सरकार भी काम कर रही है, हम लोग भी काम करेंगे, जनता का सेवा करेंगे। हम कहीं गलती से भूल चूक हुआ है तो उसको भी हम लोग सुधार करेंगे। क्या लगता है और वोटिंग ज़्यादा होना था या कम मतदान से जीते हैं? उम्मीद तो वही तो बोले, कहीं हम लोग से कहीं भूल चूक हुआ होगा इसलिए कुछ ऐसा कम वोटिंग हो पाया, हम लोग को आशीर्वाद मिला। लेकिन आशीर्वाद मिला जगन्नाथपुर का, जनता का पूरा हमको सहयोग मिला। मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इस सीट से सांसद जुबा मांझी के पुत्र जगत मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। वहीं आज सुपार्टी से दिनेश चंद्र बोईपाई चुनाव लड़ रहे थे। इस सीट पर जुबा मांझी की पकड़ काफी मजबूत रही है, यही कारण है कि जुबा मांझी मनोहरपुर से 5 बार चुनाव जीत चुकी है। जुबा मांझी के प्रभाव के कारण ही पुत्र जगत मांझी को टिकट मिला और उन्होंने पुत्र को यह सीट जिताकर झामुमो की झोली में डाल दिया। जगत मांझी को 73,034 मत और दिनेश चंद्र बोईपाई को 41,078 मत मिला। जगत मांझी ने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी दिनेश चंद्र बोईपाई को 31,956 मतों से पराजित किया। पहली बार विधानसभा जाने का मौका मिला है, क्या मन में क्या सोच रहे हैं करने के लिए?
पहले ही बताया कि हमारे प्राथमिकता रही है कि स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में अपने थोड़ा सा पीछे हैं, उस लेवल पर लेके जाए यहाँ पर लगता है कि हम कुछ कर पाए। और बाकी जितना रोड पुल हो जाए ये सब तो सरकार के द्वारा ही चलाया जाता है, हम सरकार से जितना ज़्यादा निकाल पाते हैं वो करता है काम। तो कोशिश रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी कनेक्टिविटी छूटी हुई है उन सबको कम्प्लीट। अपने विधानसभा क्षेत्र के जनता को क्या कहना चाहेंगे? उनको बधाई, उनको मुबारकबाद, ये जीत उनकी है, उन्होंने बढ़ चढ़ करके चुनाव में हिस्सा लिया। हमारा इतना जंगली क्षेत्र होने के बावजूद 64% का पोलिंग हुआ, ये बताता है कि उन्होंने कितना जोश था, कितना उमंग था। तो ये जीत उनकी जीत है। जिस तरह से घेराबंदी की गई थी आजसू बीजेपी और बाकी लोगों की तरह से, उससे निपटना कितना चुनौतीपूर्ण था? मैंने बताया ना, ये चुनाव मैंने लड़ रहा था, ये चुनाव मनपुर विधानसभा की जनता लड़ रही थी, और वो जब जनता लड़ती है तो फिर किसी तरह की घेराबंदी काम नहीं। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है, तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी सदर बाजार चैबासा। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चैबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चैबासा शहर के सदर बाजार में FS टावर और JMP चौक के पास, दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। विधानसभा चुनाव की मतगणना का काम सुबह 8 बजे शुरू हुआ और करीब 9 बजे से परिणाम आना शुरू हो गया। अपराह्न 3 बजे तक सारे परिणाम सामने आ गए। शाम 4:30 बजे तक विजय उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र का वितरण कर दिया गया। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों ने एक बार जो बढ़त बनानी शुरू की तो यह सिलसिला अंत तक चलता रहा। विपक्षियों को एक बार भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। मतों की आंधी ऐसी चलती रही कि NDA के उम्मीदवारों को ठहरने का मौका भी नहीं मिला। हालांकि जगन्नाथपुर और चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई कांटे की रही, लेकिन यहां भी NDA के उम्मीदवार लगातार पिछड़ते रहे। लेकिन चैबासा और मझगांव विधानसभा क्षेत्र में तो लोकसभा चुनाव के दौरान हुए मतों के अंतर का रिकॉर्ड भी टूट गया। दोनों जगहों पर भाजपा के उम्मीदवारों को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मझगांव से बड़कुंवर गागराई और चैबासा से गीता बालमुचू भारी अंतर से चुनाव हार गए हैं। इनके हार से एक बार फिर से भाजपा के संगठन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है। त्रिकोणीय मुकाबला की संजीवनी बूटी भी उनके काम नहीं आ सकी। 10 राउंड की मतगणना पूरी होते होते NDA के उम्मीदवारों ने मैदान छोड़ना शुरू कर दिया। संभवतः उन्हें समझ में आने लगा था कि जनता ने उन्हें नकार दिया है। जगन्नाथपुर से भाजपा की उम्मीदवार गीता कोड़ा को छोड़ दे तो मीडिया के सामने बड़े बड़े दावे करने वाले NDA के प्रत्याशी न तो मतगणना के दौरान और न ही बाद में पत्रकारों के सामने आए। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा का चुनाव भी हार चुकी जगन्नाथपुर से भाजपा उम्मीदवार गीता कोड़ा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव में कई तरह की बातें होती है, समीक्षा के बाद ही पता चल सकेगा कि हमें पराजित क्यों होना पड़ा। नहीं, ये सब उतना इफेक्ट नहीं हुआ है। अब तो बाकी और चीजें जो है वो समीक्षा के बाद ही आएंगी, क्योंकि चुनाव है, कई तरह की चीजें होती हैं। तो बाकी समीक्षा के बाद हम लोग उसको देखेंगे, क्या कहां हम लोग से कमी रह गई है, कहां हम लोग से कमी है या कहां चूक हुई है, उन सबको समीक्षा के बाद हम लोग। मैडम, पूरे ज़िले में भाजपा का जो प्रदर्शन है उस पर क्या कहना चाहिए?
देखिए बाकी जगह की मैं नहीं बता सकती क्योंकि हम लोग अभी अंदर ही थे, इसलिए बाकी जगह की क्या रिपोर्टिंग है मैं नहीं बता सकती। क्योंकि झारखंड में ओवरऑल भाजपा की स्थिति बहुत ख़राब है और जो गठबंधन है वो बहुमत से बहुत आगे है, भाजपा के जो अभी तक जो रुझान आ रहा है तो जीते हुए कैंडिडेट वो भी बहुत ज़्यादा अधिक है। तो क्या हम लोग भी देख लेते हैं रुझान फिर उसके बाद। जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर एक बार फिर से इंडिया ब्लॉक का कब्जा होने से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह सातवें आसमान पर है। जीत की खुशी में आज चैबासा शहर में जमकर जश्न मनाया गया। दोपहर 12 बजे से लेकर देर शाम तक जश्न का सिलसिला चलता रहा। मतगणना के दौरान जैसे ही इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों खासकर चाईबासा और मझगांव विधानसभा क्षेत्र से बेहतरीन बढ़त मिलने की सूचना मिलने के साथ ही कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे चुनाव परिणाम सामने आ रहा था कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ती जा रही थी और उसी के साथ उनका जोश भी बढ़ता जा रहा था। अपराहन 2 बजते चाईबासा शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। आतिशबाजी होने लगी, गुलाल उड़ने लगा और पारंपरिक नृत्य शुरू हो गया। प्रत्याशियों की जीत की खुशी हर ओर दिखाई दे रही थी। इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार जब जीत की घोषणा होने के बाद बाहर आए तो पोस्ट ऑफिस चौक पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने माला पहनाकर और गुलाल लगाकर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। विजेता उम्मीदवारों ने भी जीत के लिए कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार जताया। चाईबासा से लगातार चौथी बार ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले दीपक बिरवा का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दीपक बिरवा ने पोस्ट ऑफिस चौक पर बने हाई मास्ट लाइट के प्लेटफॉर्म पर चढ़कर तीर धनुष पकड़कर सभी का अभिवादन किया। इसके बाद जुलूस मोहल साय की ओर चल पड़ा। जश्न के इस माहौल में चक्रधरपुर से लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने वाले सुखराम उरांव और मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार जीत हासिल करने वाले सांसद जुबा मांझी के पुत्र जगत मांझी भी इस जश्न में शामिल हुए और सभी का आभार जताया। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में चार पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजावाड़ी गली सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस, डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली सदर बाजार चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।